योगा आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प कर सकता है? जी हाँ, अगर आपकी योगा पोजेस प्रॉपरली डिजाइंड है उस तरीके से कि आपका वेट लॉस हो, तो बिल्कुल वो आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करता है। राइट आसनास का सिलेक्शन और राइट फ्लो के साथ किया हुआ योगा प्रैक्टिस आपकी वेट लॉस जर्नी में फ्रूटफुल माना जाता है। आपको वो फिजिकली मेंटली बैलेंस करता है और हेल्दी रखता है। तो चलिए आज हम यही जानते हैं कि आखिर वेट लॉस जर्नी में आप कौन कौन से योगा पोजेस को कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी पिंच में आपका स्वागत है। योगा प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें अपनी एक पेस के साथ करना चाहिए और अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। अगर आपकी बॉडी एक टाइम पे बोल रही है कि आप इसे या कोई भी मसल को स्ट्रेच ना करो, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दो। योगा करना जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट पोस्चर्स को कर पाओ, बिकॉज एवरी बॉडी हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने पावर के हिसाब से ही योगा प्रैक्टिस करें। और योगा स्टार्ट करने से पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस जरूर से होने चाहिए, जैसे कि नेक रोल्स, शोल्डर रोटेशंस एंड सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनी है जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि सूर्य नमस्कार को कैसे परफॉर्म किया जाता है। आप वो वीडियो जरूर से जाके चेक करें। इसके अलावा वार्म अप हम क्यों करते हैं योगा करने से पहले? ताकि हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाए, हमारे मसल्स, जॉइंट्स एंड ब्लड फ्लो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। इससे हमें इंजरीज कम होती है और प्रैक्टिस करने में आसानी भी होती है। तो हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे वॉरियर पोज 2 के साथ, और उसके बाद हम करेंगे बोट पोज, ब्रिज पोज और फिर करेंगे प्लैंक। योगा आसन मैंने बताए हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए, मसल को टोन करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट आसनास माने जाते हैं। ये हमारे बॉडी के बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं और ये हमारा पोस्चर भी ठीक करते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है हमारे वेट लॉस जर्नी के लिए। और एक फिटनेस टिप या फिर चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी वेट लॉस जर्नी में या फिर कोई भी फिटनेस जर्नी के लिए, कि आपके लिए कंसिस्टेंसी इज द की। तो आप जो भी योगा पोजेस कर रहे हो, आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस करो। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपके बेनिफिट्स आपको जल्दी दिखने को मिलेंगे। इसके बाद चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं ताड़ासना, चेयर पोज और डाउन फेसिंग डाउन। योगा पोजेस को एक सीक्वेंस में करते हो या एक फ्लो में करते हो ना, तो वो आपको वेट लॉस जर्नी में ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि फ्लो या सीक्वेंस में अगर हम योगा करते हैं तो उसे होता क्या है कि उसमें ट्रांजिशन टाइम कम होता है, आपको तुरंत से एक पोज से दूसरे पोज की तरफ जाना होता है। तो इससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है और ये एक तरह से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले तो एक सीक्वेंस हो सकता है प्लैंक टू कोबरा पोज। तो ऐसे करने से हमारा एंड्योरेंस और स्टैमिना भी बूस्ट अप होता है। इसके अलावा अगर आपको और भी ऐसे सीक्वेंस योगा जानने हैं या फिर अगर आपको हमारे साथ ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @healthypinchfam, जो कि नीचे फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर। और एक यूजफुल टिप वेट लॉस जर्नी में कि आप जब भी खाना खाए तो उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठें।
ये आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा और आपके वेट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जब आपको अपनी योगा प्रैक्टिस को एंड करना है तो आप एक रिलैक्सिंग पोज के साथ एंड करें, जैसे कि चाइल्ड्स पोज यानी कि बलासना। उसके अलावा आप शवासना करें एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए, बिकॉज शवासना में लेटने से आपकी बॉडी, आपके जितने भी मसल्स यूज हुए वो सब रिलैक्स होते हैं। तो बॉडी को कूल डाउन करना एक योगा प्रैक्टिस के बाद बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। और हमेशा एक चीज याद रखें कि योगा एक सिर्फ फिजिकल वर्कआउट नहीं है, ये आपके माइंड और सोल को भी इफेक्ट करता है, आपके पूरे ओवरऑल लाइफ में बैलेंस लेके आता है। तो इसलिए अपने आप के साथ काइंड रहे, पेशेंट रहे, बिकॉज अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो उस जर्नी में वक्त लगता है। इसके अलावा लास्ट वीक ही मैंने एक वीडियो डाली थी कि कुछ ऐसी गलतियां जो आप वेट लॉस जर्नी में करते हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर से चेक करें ताकि आप वो गलतियां अपने वेट लॉस जर्नी में ना करें। उसके अलावा भी वेट लॉस टिप्स पर भी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे जरूर से चेक करें। और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल बटन भी दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और इसी हफ्ते मैंने एक और वीडियो डाली है कि आप अपने बिजी लाइफस्टाइल में, हेक्टिक लाइफस्टाइल में योगा को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, तो आप वो वीडियो को भी जरूर से चेक करें। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे।